A very good morning, dear students. This is Paramjit. Today, my topic is the process. This is the mind map of the chapter planning, unit 4. This is my fifth lecture. And we have already done meaning, features, importance and limitations. So today we will discuss process. Types of plan we will discuss later. The process, first point is the setting objectives. The first step is setting objectives. Every organization must have certain objectives. Objectives may be set for the entire organization. यानी कि objectives जो हैं वो पूरी organization के भी आप set कर सकते हैं और each department or unit within the organization. And it should be stated clearly. ये बिल्कुल clear होने चाहिए, ठीक है? For example, मैं एक example इसमें ऐसा लेके चलूँगी जो पूरी process में आपके साथ साथ चलेगा. So we take the case of automobile company. Which is planning to increase its sales of small cars of 20% in next 3 months. मतलब एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो अपनी सेल्स को स्मॉल कार जो है उनको सेल करनी है और 20% उसको वो इंक्रीज करना है कमिंग नेक्स्ट 3 months में. और वो 3 months में हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर 3 months, राइट. सेकेंड पॉइंट इज डेवलपिंग premises. प्रेमिसिस क्या है? प्रेमिसिस आर assumptions अबाउट द फ्यूचर. ये assumptions वो हैं. Assumptions means जो planning is connected with the future, so which is always uncertain, आपको पता ही है. और जो manager is required to make certain assumptions about the future, so these assumptions are called premises. अब इसमें हमारे जैसे मैंने एक example लिया है तो उसमें हमारे premises क्या रहेंगे. अगर हम automobile company car की जो है उसके sales को increase करने जा रहे हैं तो company forecast करेगी based on the number of assumptions. Like उसमें हम देखेंगे कि सेवन्थ पे कमीशन को हम चेक कर सकते हैं इसमें जो इफेक्ट करेगा लोगों पे, ठीक है. इससे द अगर उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो लोग इंटरेस्टेड होंगे हमारे इस प्रोडक्ट को परचेज करने में, ठीक है. एंड द फेस्टिवल सीजन आ रहा है उसमें भी हम अप्रोच कर सकते हैं लोगों को. सो पीपल कंसिडर इट्स ऑस्पिशियस, मतलब उनके अंदर एक वो होता है कि अगर कोई दिवाली है या कुछ इस तरह का फेस्टिवल है तो उसमें वो एक बड़ा अपना कोई व्हीकल वगैरह कुछ भी परचेज कर सकते हैं. और गवर्नमेंट भी इसमें टैक्स बेनिफिट दे देती है और बैंक भी इसमें बहुत जो अपने सिंप्लीफाई कर देते हैं, अपनी फॉर्मेलिटीज़ को कम कर देते हैं और इसमें 0% फाइनेंस पे भी वो आपको अवेलेबल कराते हैं. तो इस तरह से आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं. सो दीज आर द प्रमिसेस, ठीक है. थर्ड पॉइंट इज द आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. प्लानिंग को करने के लिए अब हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं. अगर हमें अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है तो हमें क्या क्या ऑप्शंस हैं. तो ऑल द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड. इस पॉइंट में आपको आइडेंटिफाई करने हैं अपने सारे ऑप्शंस को. अगर मैं अपने एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ मैनेजर हैव आइडेंटिफाइड 4 पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख सकता है कि फ्री एसेसरीज, अगर आप उसको वो परचेज साथ में ऑफर कर सकता है कार के साथ फ्री एसेसरीज. सेकेंड ऑप्शन वो दे सकता है कि हम दे सकते हैं कि अगर सेल्स को बढ़ाने के लिए कोई सेलिब्रिटी को एडवर्टाइज करवा दें, मतलब क्योंकि जो बायर्स होते हैं मोस्टली इन्फ्लुएंस होते हैं पर्सनालिटी से, मॉडल से, या हीरो हैं जो कोई आपके या कोई क्रिकेटर वगैरह हैं. थर्ड ऑफर हम दे सकते हैं कि 10% डिस्काउंट हम दे सकते हैं ऑन इंश्योरेंस या कुछ इस तरह के आप ऑप्शन दे सकते हैं. एंड ऐसे ही मैंने एक फोर्थ ऑप्शन भी इसमें ले ली है कि अगर डाउन पेमेंट भी आपको नहीं करनी पड़ेगी और 0% फाइनेंस भी आपको ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा. इट मीन्स वी हैव 4 ऑप्शंस, 4 अल्टरनेटिव्स, राइट. तो आइडेंटिफाई कर लिए हैं मैनेजर ने. फोर्थ पॉइंट इज इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज. इवेल्युएटिंग मीन्स आपको उसको इवेल्युएट करना है, यानी कि दैट इज द प्रोज एंड कॉन्स, वे ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स समझते हैं आप इसमें. जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट उसके आपको चेक करने हैं, आपने उसको इवेल्युएट करना है कि उसमें सारी ऑप्शंस में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट उसमें क्या क्या हैं. After listening the various alternatives, next important job of the manager is to evaluate each of these 4, जो हमने इसमें 4 options ली हैं, identify की हैं alternatives, उनको carefully analysis करना है उनकी अच्छी और बुरी दोनों बातों को देखते हुए. Next step is the fifth step is the selecting an alternative. अब आपने जब उनको evaluate कर लिया है तो the best plan has to be adopted and implemented. हमें इसमें से एक best को choose करना है. और उसके लिए अगर मैं अपने एग्जांपल की बात करूँ तो लेट्स परचेज, मान लो कि मैनेजर हैव डिसाइडेड टू सेलेक्ट सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन वॉज हमारी क्या थी इसमें, सेकंड ऑप्शन मैंने ली थी सेलिब्रिटी की, यानी कि फीचरिंग सेलिब्रिटी इन द एडवर्टाइजमेंट टू इन्फ्लुएंस द बायर्स बिहेवियर. तो ये हम मान के चलते हैं तो हमने ये सेकंड ऑप्शन को मैनेजर ने इसमें चूज किया है. तो सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. नेक्स्ट सिक्स पॉइंट इज द इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. द नेक्स्ट स्टेप
इज कंसर्न विद द पुटिंग द प्लानिंग इन टू एक्शन, दैट इज डूइंग वॉट इज रिक्वायर्ड. जो भी हमें करना है, मतलब जो भी हमने सोचा उसको हमें करना है. फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमें क्या करना है, तो अब जैसे हमने सेकेंड ऑप्शन को इसमें चूज किया था, इन सच ए सिचुएशन नेक्स्ट स्टेप विल बी इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्टिंग एन एडवर्टाइजमेंट कंपनी. हम एडवर्टाइजमेंट कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, गेटिंग द न्यू एडवर्टाइजमेंट. हम कुछ उसमें नया उसमें बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है, प्रिंट मीडिया हो सकती है, मतलब उसमें हम किसी भी सेलिब्रिटी को या किसी भी पर्सनालिटी को उसमें हम राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, और उसको राइट काइंड ऑफ वे से हम उसको क्रिएट करके उसको एडवर्टाइज करेंगे. ठीक है, और लास्ट स्टेप इज़ द फॉलो अप एक्शन इज लास्ट स्टेप ऑफ द प्लानिंग्स टू सी. अब हमें ये देखना है कि वेदर द प्लान्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड और एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल. जो हमने सोचा हमारा काम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू वैसे ही हुआ या नहीं, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस. यानी कि मॉनिटरिंग करनी है हमें इस प्लान की, इट इज़ इक्वल इंपॉर्टेंट. तो इसमें हमारे जैसे एग्जाम्पल हमारा चल रहा था लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मैनेजर विल हैव टू रिव्यू द सिचुएशन आफ्टर 3 months. वो चेक करेगा टू असेस हाउ फार दे हैव बीन एबल टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स. ठीक है, तो ये हमारे बहुत सारे ये स्टेप्स थे हमारे, जो हमने उसमें प्लानिंग के थ्रू उसको जानने की कोशिश की है विद एग्जाम्पल. तो उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे. सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.